हेलो दोस्तों, मैं जो आपके पास और एक नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ये है कि शिन पेन के ऊपर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा शिन पेन क्यों होता है, किस कारण होता है और आप शिन पेन को ठीक कैसे कर सकते हो। दोस्तों वीडियो के एंडिंग में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे शिन पेन ठीक कर सकते हो और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप शिन पेन को 101% ठीक कर सकते हो। और दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको करना है जिससे आपको फास्ट रिकवरी हो और आप जल्दी से जल्दी शिन पेन को ठीक करें। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि शिन पेन क्या होता है। दोस्तों शिन पेन टू टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले बोन रिलेटेड शिन पेन और दूसरा मसल रिलेटेड शिन पेन। अगर दोस्तों आपको बोन रिलेटेड शिन पेन है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और उनसे सलाह लें। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके बोन में ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके शिन के बोन में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और उनसे सलाह लें। दूसरा होता है दोस्तों आपका मसल रिलेटेड शिन पेन। अगर दोस्तों आपको मसल रिलेटेड शिन पेन है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जल्दी से जल्दी शिन पेन का दर्द दूर करें। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि शिन पेन किस पार्ट पर होता है। चलो आओ देखते हैं शिन पेन किस पार्ट पर होता है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो ये मेरा पैर है। दोस्तों ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इधर, पहले तो ये इधर शिन पेन होता है, उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला पार्ट आपका इधर शिन पेन होता है। इन दोनों पार्ट पर आपका दोस्तों शिन पेन। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ शिन पेन क्यों होता है और किस कारण होता है। चलाओ दोस्तों देखते हैं शिन पेन क्यों होता है और किस कारण होता है। दोस्तों आपका पहला कारण ये है कि जब आप वर्कआउट करते हो, आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा अपना वर्कआउट बढ़ा देते हो, तब आपका दोस्तों शिन पेन होता है। जैसे कि दोस्तों आज आपने 100 मीटर का आपने 2 लैप्स लगाया और कल ही आपने उस वर्कआउट को बढ़ा दिया, एनहेंस कर दिया, आपने ज़्यादा वर्कआउट कर दिया। कल आपने 100 मीटर के 8 राउंड्स कर दिए तो आपका शिन में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, इसी से ही आपका शिन पेन स्टार्ट होने लग जाता है। दोस्तों दूसरा कारण ये होता है कि जब भी आप जूता फ्लैट फीट वाले पहनते हो तब आपका शिन पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप रनिंग कर रहे होते हो तो आपको अच्छा जूता लेना चाहिए और अच्छे ग्रिप वाला और अच्छे सोल वाला जूता लेना चाहिए। दोस्तों आपका तीसरा कारण ये होता है कि आपको हार्ड सरफेस पे नहीं भागना, आपको कंक्रीट सरफेस पे नहीं भागना होता है। दोस्तों आपको रोड पे नहीं भागना होता है। रोड का सरफेस क्या होता है, हार्ड होता है। अगर दोस्तों आप हार्ड सरफेस पे भागोगे तो आपका पूरा फोर्स आपके पैरों पे लगता है और आपका शिन पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा प्रिफर करना है ग्राउंड पे भागना। दोस्तों आप कभी रोड पे ना भागे, हमेशा आप ग्राउंड पे भागे, जिससे आपका शिन पेन नहीं होगा। दोस्तों आपका चौथा कारण ये है कि जब हम ओवरवेट होते हैं तो हमारा पूरा प्रेशर किस पे पड़ता है, पैरों पे, इसलिए हमारा शिन पेन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने आपको चार मेन कारण बताए शिन पेन होने के। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि शिन पेन आप कैसे ठीक कर सकते हो। चलाओ दोस्तों देखते हैं शिन पेन कैसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों आपको जब भी शिन पेन हो तो आपको कम से कम 2 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप जा रहे हो रनिंग करने, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ रेस्ट लेने के लिए, और आप जा रहे हो रनिंग करने, अगर दोस्तों आप ऐसा करोगे तो आपके शिन में और ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा और ज़्यादा आपके शिन में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 से 3 बार आइसिंग करनी है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आपका शिन पेन जल्दी से जल्दी ठीक होगा। दोस्तों आपको शाम को ये करना है कि आपको 2 बाल्टी लेना है, एक बाल्टी में आपको ठंडा पानी रखना है और दूसरे बाल्टी में आपको गर्म पानी रखना है। दोस्तों जो जिसमें आप ठंडा पानी रखोगे तो उसके अंदर बर्फ़ डाल के रखना है, जिससे वो पानी और ठंडा हो जाए। और जो दोस्तों आपका दूसरा गर्म पानी वाला होगा, गर्म पानी आपको इतना करना है कि जिससे आप अपना पैर रख सको पानी के अंदर। दोस्तों आपको इतना भी पानी गर्म नहीं करना है जिससे आपका पैर जल जाए। और दोस्तों जो ठंडा पानी होगा, ठंडे पानी में आपको 2 मिनट अपना पैर रखना है, उसके बाद आपको इमीडिएटली उसके बाद आपको अपना पैर गर्म पानी के अंदर 2 मिनट रखना है। दोस्तों अगर आप ये करोगे तो आपका 101% आपका शिन पेन का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपको सोने के टाइम ये करना है कि आपको तेल लेना है, तेल लेने के बाद आपको लहसुन लेना है, लहसुन और तेल को आपको गर्म करना है। दोस्तों आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपको थोड़ा सा गर्म करना है, उसके बाद आपको अपने पैर पे मसाज करना है। दोस्तों आपको मसाज कैसे करना है, चलाओ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको मसाज कैसे करना है, चलाओ मैं बताता हूँ। दोस्तों आपको हाथ में ऑयल लगाना है, उसके बाद आपको 2 फिंगर्स लेना है, उसके बाद आपको ऐसे करना है मसाज। आपको ऑयल लेके आपको ऐसे मसाज करना है, कम से कम आपको
दोस्तों ये एक मिनट तक आपको ऐसे करते रहना है। उसके बाद आपका दोस्तों दूसरा मसाज ये है कि आपको फिंगर लेनी है, उसके बाद आपको ऐसे करना है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा मसाज ये होगा कि आपको ऐसे करना है, ऐसे। दोस्तों अगर आप ये तीनों एक्सरसाइज करोगे, तीनों मसाज वाली एक्सरसाइज करोगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आपको सोते टाइम आपको ये करके और सो जाना। दोस्तों इन सब के साथ साथ आपको मैं थोड़े से एक्सरसाइज बताऊंगा, आपको वो करना है जिससे आपको फास्ट रिकवरी। तो आपका पहला एक्सरसाइज ये है कि आपको कोई भी कपड़ा लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये कपड़ा लिया है। आपको अपने पैर पे ऐसे रखना है, आप अपने पैर पे आपको ऐसे रखना है, उसके बाद आपको कपड़े को खींचना है, आपको पीछे कपड़े को खींचना है। आपको इधर प्रेशर, आपके शिन के उधर प्रेशर महसूस होगा, आपको ये 30 सेकेंड्स तक करना है। जैसे कि आपने देखा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, आपको ये कपड़ा पीछे खींचना है, आपको ये 30 सेकेंड्स तक करके रखना है। दोस्तों आपका सेकेंड एक्सरसाइज ये है कि आपको सेम वैसे ही करना है आपको, लेकिन पहला आपको एक पैर पे आपको ऐसे करना है, उसके बाद आपको पैर को उठाना, उसके बाद आपको दोबारा फोर्स लगाना है, ऐसे ऐसे आपको 30 सेकेंड्स तक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जैसे आपको एक पैर में शिन पेन है तो आपको एक पैर का ही नहीं करना, आपको दोनों पैर का करना है, आपको दूसरे पैर को भी करना है, उसके बाद आपको इसको पुल करना है, आपको इसको पुल करना है अपने तरफ। ये सब आपको ये दोनों पैर का आपको 30-30 सेकेंड्स तक। दोस्तों आपका तीसरा एक्सरसाइज ये है कि आपका जो ये पंजा है आपको अपने तरफ आपको पुल करना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने अपना पंजा ऐसे कर रखा है, आपको ये कम से कम 30 सेकेंड्स तक आपको ये एक्सरसाइज करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको ये एक्सरसाइज करना है, 30 सेकेंड्स तक आपको ये होल्ड रखना है। दोस्तों आपका चौथा एक्सरसाइज ये है कि जैसे आप मेरे को देख सकते हो जैसे मैं पोस्चर में बैठा हूँ, आपको सेम वैसे ही बैठना है। आप देख सकते हो मेरा पोस्चर कैसे है, मैं कैसे बैठा हूँ, आपको सेम एज इट इज आपको ऐसे ही बैठना है, उसके बाद आपको 30 सेकेंड्स तक आपको ऐसे बैठना है, आपको 30 सेकेंड्स तक ऐसे बैठना है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने आपको चार एक्सरसाइज बताए, दोस्तों आपको इन चारों एक्सरसाइज को 30-30 सेकेंड्स तक करना है, वो भी दो बार, दो सेट के साथ आपको चारों एक्सरसाइज करना है। और दोस्तों अगर आप मेरे टिप्स को और जो जो मैंने आपको बताया वैसे वैसे ही फॉलो करोगे तो आपको 101% आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका शिन पेन आपका 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या आप कमेंट कर सकते हो कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, या आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।